बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ, विच इज़ दी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसके अंदर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ये जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनकी जो हर एक की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हम मटेरियल्स को उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उनके नाम क्या क्या हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ये नाम। एक को तो हम कहते हैं कंडक्टर, ओके। एक को हम कहते हैं इंसुलेटर। एक मटेरियल हमारा कहलाता है सेमी कंडक्टर। और एक मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो ये मटेरियल्स को हम उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं इन चार ग्रुप्स के अंदर। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर जब हम जिनके अंदर आसानी से चार्जेस जो हैं वो फ्लो हो जाते हैं और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तभी वो आसानी से फ्लो करते हैं और हमें करंट जो है वो मिलता है। जबकि इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाउंड होते हैं अपने सेंटर न्यूक्लियस के साथ, तो हमें इसके अंदर करंट नहीं मिलता। आई इज इक्वल टू 0। सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर हमें करंट मिलता तो है लेकिन इतना ज़्यादा तादाद में नहीं मिलता है, यानी कि बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं, तभी हम इसको पार्शियल कंडक्टर कहते हैं। सेमी कंडक्टर यानी कि कुछ कुछ सलाहियत है कंडक्टर वाली, इतनी ज़्यादा नहीं है। और सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती, बिल्कुल रेजिस्टेंस 0 होती है, और हम ये कह सकते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट वी कैन गेट इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं ये कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर बनते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर नहीं बनते। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो कि हमने मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए बना दिए हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, कि कुछ मटेरियल कंडक्टर के ग्रुप में आ जाएंगे, कुछ मटेरियल इंसुलेटर के ग्रुप में आ जाएंगे, कुछ सेमीकंडक्टर के ग्रुप में आ जाएंगे और कुछ सुपर कंडक्टर के ग्रुप में आ जाएंगे। अभी बेसिकली हमारा जो कंसर्न है ना वो ये वाला कंडक्टर और इंसुलेटर से ज़्यादा है। अभी हमारा कंसर्न जो है वो इन मटेरियल्स के साथ में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में रिवाइज कर देती हूँ। कंडक्टर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा से पढ़ लेते हैं। इंसुलेटर के बारे में भी दोबारा से थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को रिव्यू करवा देती हूँ। वो क्या चीज़ है कि कंडक्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम्स जो होते हैं उसके अंदर सेंटर में पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और शेल्स के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, ओके। ये बाहर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं इधर। तो इसी वजह से मैंने लिखा है कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा यही हो गया कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी, चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इसके अंदर करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है इनसाइड एनी कंडक्टर। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो अब तक हम लोग इसकी देख चुके हैं डिटेल के अंदर। अच्छा, इंसुलेटर की डेफिनेशन के अंदर मैंने बताया था कि इंसुलेटर के अंदर एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे मटेरियल्स एटम से बने हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने शेल के अंदर ही होता है, यानी कि अपने न्यूक्लियस के साथ ही बाउंड होता है, वो फ्री नहीं होता। तो जाहिर है हम इसमें कहते हैं कि नो फ्री चार्जेस, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्जेस जो होते हैं ये बाउंड होते हैं, बाउंड चार्जेस, यानी पॉजिटिव भी बाउंड है और नेगेटिव भी बाउंड है। और इसके अंदर कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो बाउंड होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये इसके अंदर है कि नो करंट, क्योंकि जब चार्जेस ही फ्लो नहीं करते तो करंट हमें नहीं मिलता।
अच्छा, लेकिन इसमें एक बात को जहन में रखें कि कोई भी इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर बन सकता है खास कंडीशन में। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर इस इंसुलेटर को रख दूं तो क्या, सॉरी नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है यहाँ पर, अगर मैं इंसुलेटर को किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या होगा, बढ़ाती जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, अपने बाउंड प्रोटॉन पेरेंट प्रोटॉन के साथ ये अलग हो जाएगा, पेरेंट न्यूक्लियस के साथ ही अलग हो जाएगा और ये फ्री हो जाएगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और उस वक्त बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं और वो इंसुलेटर भी जो है वो क्या बन जाता है, एक कंडक्टर बन जाता है। जैसे एयर जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, लेकिन जब क्लाउड आते हैं तो क्लाउड्स के अंदर जो है ना वो चार्जेस इस तरीके से फॉर एग्जांपल सेट हो जाते हैं, और ज़मीन के ऊपर कोई दरख्त है या कोई भी चीज़ है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है जबकि एयर हमारी ब्रेक डाउन हो जाती है और चार्ज फ्लो करना शुरू होते हैं, उस वक्त हमारी एयर भी जो है वो क्या बन जाती है, ब्रेक डाउन के ऊपर आके कंडक्टर बन जाती है। और टिपिकल जो फील्ड होती है वो 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर जो है वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हमें चाहिए होती है किसी भी नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक को या इंसुलेटर को ब्रेक डाउन करने के लिए या कंडक्टर बनाने के लिए। तो वैसे नॉर्मली जब तक हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे कोई भी इंसुलेटर खुद से अपने अंदर करंट पास करने की सलाहियत नहीं रखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंसुलेटर का, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता लेकिन हम किसी भी इंसुलेटर को कंडक्टर बना सकते हैं। दूसरा ये कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है कुछ ना कुछ इनसाइड एनी कंडक्टर, ये हम चीज़ें पिछले लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। तो ये थोड़ा सा रिव्यू हो गया कि हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मटेरियल्स को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अभी हम बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को पढ़ रहे हैं, और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के जो मेन फीचर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं इसको मैंने यहाँ पर रिकॉल करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो मैं देखना चाह रही हूँ, मैं देखना चाह रही हूँ कि अच्छा ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हमें पता चल गए हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। लेकिन अब अगर मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ तो क्या होगा, कंडक्टर एंड इंसुलेटर बिहेवियर मैं चेक करना चाहती हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो बारी बारी हम देखते हैं, सबसे पहले हम कंडक्टर को जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और फिर हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इंसुलेटर को अगर हम रखेंगे तो इंसुलेटर जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो है डिटेल टॉपिक है, बारी बारी आएंगे ये। तो सबसे पहले मैं कंडक्टर के बारे में पढ़ती हूँ। अच्छा, होता ये है कि मैंने ये बात पढ़ी थी कि ये जो कंडक्टर्स होते हैं, और आप लोगों को मैंने पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि कंडक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो कोई भी अगर कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं। ये सरफेस के ऊपर रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड्स एट सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है, खुद ही जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ये सरफेस के ऊपर रहते हैं। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूं, मैं अब इस कंडक्टर को किस में रखना चाह रही हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होगा। अब मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई कर दी यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में ऐसा इस फिगर को मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस सरफेस के ऊपर मौजूद थे, अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से यहाँ पर अट्रैक्ट कर जाएंगे, इसके करीब आ जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ रह जाएगा।
ठीक है, तो एक तो ये मेरी हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल, और एक ये हो गई मेरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि मैं ये कह रही हूं कि मुझे यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई टोटल, कहां? इनसाइड अ कंडक्टर। तो इनसाइड अ कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई एक्सटर्नल, जो कि इस डायरेक्शन में थी, ठीक है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर थी। और फिर दूसरी जो फील्ड होगी वो क्या होगी? इंटरनल फील्ड, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर थी। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये माइनस एक्स डायरेक्शन हो गया। तो ये दोनों जो फील्ड्स हैं वो इक्वल और अपोजिट होती हैं कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर ये सलाहियत होती है कि जितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतनी ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है? जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने बात पहले पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होती है? जीरो होती है। तो ये उस वक्त हमने पढ़ी थी जब हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, उसके बावजूद हमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या मिल रही है? जीरो मिल रही है। तो इस बात को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसको भी हमें जहन में रखना होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, ठीक है। और लेकिन इस जगह पर क्या होगा? इस जगह पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब इन चार्जेस की वजह से, ये जो सरफेस के ऊपर चार्जेस आ गए हैं कंडक्टर की सरफेस पे, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किस तरह से है? पॉजिटिव दोनों, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी कंडक्टर क्या हो जाएगी? वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ई एक्सटर्नल प्लस ई, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसको मैं कह रही हूँ सरफेस की वजह से है, तो ये इसको हम सरफेस या इंटरनल फील्ड तो खैर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सरफेस की वजह से, दोनों की जो सरफेस चार्जेस जो हैं उसकी वजह से जो फील्ड है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसको भी मुझे प्रॉपर जो है ना वो, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर अगर मैं सरफेस का ही टर्म यूज़ कर लेती ना तो ज्यादा सही रहता। ई एस कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पर। ये इंटरनल फील्ड निकालनी है ना मुझे, इंटरनल, ई टोटल इंटरनल फील्ड क्या है? तो इनसाइड द कंडक्टर ये तो एक्सटर्नल फील्ड हो गई, और माइनस ये जो सरफेस के ऊपर चार्जेस हैं अभी, उनकी वजह से जो अंदर फील्ड है उसको हम देख रहे हैं, और इन्हीं सरफेस चार्जेस की वजह से जो फील्ड हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अभी सेम होगी, चाहे मैं इधर हूँ इस जगह पे, चाहे मैं इधर हूँ। अगर मैं इधर हूँ तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, और इस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फील्ड है ये हो गई लार्जर, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ हुआ था? सबसे पहले इनिशियली हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ एक कंडक्टर था, और उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्जेस रखे हुए थे। चूंकि सरफेस के ऊपर चार्जेस रखे हुए थे तो उसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद थी, ठीक है, सरफेस की वजह से, चार्जेस होने की वजह से। लेकिन अब हमने क्या किया कि उसको कंडक्टर के अंदर रखा, कंडक्टर के अंदर रखने के बाद क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद ये सरफेस चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए इस तरह, इस फॉर्म में। और अब जो एक्सटर्नल फील्ड, अब जो टोटल फील्ड हम देख रहे हैं आउटसाइड दिस कंडक्टर, आउटसाइड दिस कंडक्टर, वो जो है इंक्रीज हो गई है। पहले सिर्फ ई एस थी, लेकिन अब इंक्रीज हो गई है, ई एस प्लस ई एक्स टू, यानी टोटल फील्ड जो है वो बढ़ गई है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी इंटरनल फील्ड तो जीरो ही रहती है, लेकिन जो फील्ड
आउटसाइड दी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वहाँ पर एक तो हमारी अपनी अप्लाइड फील्ड भी मौजूद है और चार्जेस की वजह से जो कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं वो भी मौजूद हैं। तो इसको हमें जहन में रखना होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कंडक्टर लिया था एक रेगुलर शेप का कंडक्टर लिया था, तो क्या अगर इरेगुलर शेप का कंडक्टर है तो उसके लिए भी यही सूरत हाल होगी? हाँ बिल्कुल, उसके लिए कोई अलग रूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये रेगुलर शेप का कंडक्टर है और पहले इसके पास चार्जेस जो थे वो सरफेस पे मौजूद थे, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये चार्जेस जो हैं वो इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इधर भी, इस रीजन के अंदर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी क्या होगी? जीरो होगी इनसाइड दी कंडक्टर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ तो अब यहाँ पर आउटसाइड फील्ड जो है ये इनसाइड थी, आउटसाइड फील्ड जो होगी वो हमारी एक्सटर्नल फील्ड प्लस और जो इन चार्जेस की वजह से जो फील्ड है जिसको मैं सरफेस चार्ज कह रही हूँ, ठीक है, वो दोनों जो है वो एड अप हो जाएंगी और एड अप होने के बाद इंक्रीज हो जाएंगी। नेट ओवरऑल फील्ड आउटसाइड दी कंडक्टर जो है वो मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो चूंकि ये जो है वो लेस सरफेस एरिया है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये लार्जर सरफेस एरिया है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़रा थोड़ी सी वीक होगी। इरेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता चली कंडक्टर की, एक नई प्रॉपर्टी कि अगर हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसकी आउटसाइड फील्ड इंक्रीज हो जाती है और इनसाइड फील्ड जीरो ही रहती है। कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसको मैं थोड़ा सा और रिकॉल करना चाह रही थी, वो ये है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर होता है। कंडक्टर सरफेस इज एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, जिसको हम इक्विपोटेंशियल कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने कंडक्टर की पढ़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार इस्तेमाल होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी, ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है इनसाइड दी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है और अगर हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर भी रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर ज़ीरो होती है और आउटसाइड इंक्रीज हो जाती है, और उसके अलावा कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अब तक ओवरऑल हमें पता चलती चली जा रही हैं। अच्छा, नाउ ये तो मैंने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई कंडक्टर मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कॉपर वायर, ठीक है, और इसके अंदर अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैंने क्रिएट करवा दिया है, ये सप्लाई लगा दी है। उस सूरत में क्या होगा? कंडक्टर इन, इसको हम कहते हैं कंडक्टर इन डायनामिकल कंडीशन। इन डायग्राम्स के अंदर क्या था कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, चार्जेस जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पर आकर स्टॉप हो गए, एक जगह रुक गए, ठीक है, थोड़ा सा चले थे, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, थोड़ा सा रुक गए। यहाँ पर भी यही सिचुएशन थी कि हमारे पास जो कंडक्टर के अंदर जैसे ही एटम्स निकले इलेक्ट्रॉन से सरफेस के ऊपर आए और सरफेस के ऊपर आकर स्टॉप हो गए, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कंडक्टर को इन अ डायनेमिकल कंडीशन, तो उस डायनेमिकल कंडीशन के अंदर इसका क्या मतलब है कि मैं अब कंटिन्यूअस फोर्स, कंटिन्यूअस पुश, दे रही हूँ किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते रहेंगे मुस्तकिल, ये कंटिन्यूस सप्लाई होती है, पावर सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई होती है। नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते रहेंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते रहेंगे, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे पास चार्जेस मुस्तकिल हरकत में आएंगे
और अगर चार्जेस मुस्तकिल हरकत में आए तो हम उस चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, लेट सपोज कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू पर यूनिट टाइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, आई से। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर्स, ठीक है। और एम्पेयर्स किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के। एम्पेयर्स बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक है, या हम इसको एम्पेयर्स लिख लेते हैं। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। चार्जेस जो हैं वो अब हरकत में, हम मुस्तकिल जो है वो मूव करवा रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये एक कॉपर वायर है, ये एक कंडक्टर ही है। तो चार्जेस हमेशा उस मटेरियल के अंदर फ्लो करेंगे जहाँ पर चार्जेस हों। चार्जेस कहाँ होते हैं, कंडक्टर में होते हैं। चार्जेस तो इंसुलेटर में भी होते हैं, चार्जेस से तो सब चीज़ें बनी हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इंसुलेटर के अंदर बाउंड होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक नई क्वांटिटी के बारे में पता चला कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को के ऊपर कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहें तो उस सूरत में क्या होगा, चार्जेस मुसलसल हरकत करेंगे। अच्छा, अब एक और नई क्वांटिटी जो है वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ, विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज मच मोर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी देन द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, करंट फ्लो पर यूनिट सरफेस, ठीक है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये जो कंडक्टर मैंने सिंपल सा बनाया था, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं उस तरह से, तो ये जो सरफेस है ये एरिया ए है, और करंट अगर मेरा फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, इस यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है, वो मेरी टोटल क्वांटिटी जो है वो क्या है, करंट डेंसिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसा मटेरियल बना हो कंडक्टर, मैं सरफेस एरिया ऐसा भी ले सकती हूँ। अब सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन करंट मेरा फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। जे मेरा, जे का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है, ये थीटा है। तो उस सूरत में मैं अपनी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। कैसे, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। जे डॉट ए इज इक्वल टू आई, अगर मुझे कहीं करंट मालूम करना है तो एक फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, और एक फॉर्मूला होता है जे डॉट डी ए, एरिया, एरिया एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा डी ए। तो जे और डी ए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जे का भी वही डायरेक्शन है और ए का भी वही डायरेक्शन है, तो दोनों के दरमियान एंगल जीरो डिग्री है। लेकिन यहाँ पर ए सरफेस एरिया मैंने इसको कट किया है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, और जे जो है वो मैंने रखा है अगेन वही डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जे डॉट ए जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, ठीक है, डी ए जो भी मेरा बन रहा है। तो मैं इस तरीके से निकाल सकती हूँ डिफरेंट सरफेसेस के लिए किस चीज़ को, करंट को।
तो ये जो सरफेस करंट डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे, ये जो है वो हम सरफेस के हिसाब से निकालते हैं. असल में होता यह है कि अभी हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम इस क्वांटिटी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं. अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो करंट डेंसिटी होती है जे, ये किन माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसको मैं एवोल्यूएट करना चाहती हूँ. अभी यहाँ पर देख लेते हैं, करंट डेंसिटी डिपेंडेंस ऑन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर. करंट डेंसिटी मैंने डिफाइन किया था कि किसके बराबर होती है, जे. ये क्या चीज़ है, करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ करंट को चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है. अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये मटेरियल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ एल है, ये इसका एरिया ए है. और लेट सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, उनकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो एन है. ठीक है, तो क्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, टोटल चार्ज, ये बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर. एन क्या चीज़ है, डेंसिटी है. डेंसिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है, तो क्या चीज़ आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा. तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिख सकती हूँ. ठीक है, एन ई. और वॉल्यूम जो है वो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए बाय एल. नीचे ए और टी मौजूद है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा. ये जो एल अपॉन टी है, एल फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस फेज से चले और एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस फेज तक पहुंचे इन अ टाइम टी. तो ये जो चीज़ है एल बाई टी, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड हो गई, जिसको मैं ड्रिफ्ट स्पीड कहती हूँ. ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट मिला और एक डायरेक्शन के अंदर धक्का मिला इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू हो गए. अच्छा, चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका चार्ज नेगेटिव है, तो जे और ई का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा फ्लो का डायरेक्शन हम हमेशा ऑपोजिट होता है. तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव निशान आएगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे ये कंडक्टर है, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव करते हैं, लेकिन कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हम प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं. तो जे की डायरेक्शन अगर मैंने लेट सपोज ये शो की हुई है कि दिस इज माय कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, ठीक है, तो जे और ई की जो डायरेक्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे होते हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है ये क्या होती है, ऑपोजिट होती है. तो डेट्स वाई यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया है, किसी बुक के अंदर जो है वो माइनस मौजूद होता है, किसी बुक के अंदर वो नहीं कंसीडर करते हैं. तो एनीवेज माइनस साइन की वजह जो है वो यही होती है. अच्छा, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो वी डी है, इसको मैंने बोला था दिस इज दी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर. माइक्रोस्कोपिक क्यों कह रही थी, क्योंकि ये किस चीज की वेलोसिटी है, ये एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक हम कहेंगे, जो कि हमें एलिमेंट है, जो हमें ऐसी चीज है, एक ऐसी जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता इलेक्ट्रॉन. डेट्स वाई इट इज नोन एज अ माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर. तो उससे एसोसिएटेड जो भी चीज होगी, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कहलाएगा. ये जो इसकी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर कहलाएगी. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि करंट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन दी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स, यानी किस किस चीज़ के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर, ये करंट डेंसिटी डिपेंड करती है.
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई, उसके अलावा जो है ना मुझे ये बात मालूम है कि जिस अगर मैं ये वाली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बढ़ा दूंगी तो डेफिनेटली उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये जो करंट डेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगवाऊं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा जो क्या क्या, क्या चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज दी कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज दी मटेरियल कांस्टेंट। हर मटेरियल का ये अलग अलग होता है, कंडक्टिविटी ऑफ दी मटीरियल। तो यहाँ पर हमें एक सेकंड इक्वेशन जो है वो पता चल गई कि दिस इज दी सेकंड इक्वेशन इन विच विच शोज हाउ जे डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ई, और ये मटेरियल जिनके अंदर जे जो है वो लीनियर फंक्शन होता है ई का, उसको हम लीनियर मटेरियल्स भी कहते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पर क्यूब हो सकता है, वो नॉन लीनियर मटेरियल्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स के अंदर जो रिलेशनशिप होती है जे और ई की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ई की पावर 1 होती है, तो हम उनको लीनियर मटेरियल्स कहते हैं। अच्छा, अब जब ये दो इक्वेशंस आ गई तो उसका क्या फायदा है, ये जो कंडक्टिविटी आई है, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको जो है वो मैं एवेल्युएट करना चाहती हूँ कि आखिर ये कंडक्टिविटी जो है ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, ये भी हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि किन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर के ऊपर हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन आ गई जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिग्मा इज इक्वल टू जे अपॉन ई, ठीक है। और ये जो जे है ये क्या चीज़ है, करंट पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज बिटवीन टू पॉइंट्स। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज करने के बाद ये जो डेल्टा वी है और ये जो डी है, ये मैं इस तरह से डी को ऊपर ले गई हूँ, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है। अच्छा, ये डी जो है ये क्या चीज़ है, ये डिस्टेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, लेट सपोज इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे हैं इस वायर के इस हिस्से के अंदर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। तो ये जो डी है ये बेसिकली मेरा किसके बराबर है, एल के बराबर है, कि कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, क्योंकि मैं ये रिलेशनशिप यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली किसके बराबर होती है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और जितना भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान आप ले रहे हैं, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एल होता है। अच्छा, ये जो है मैंने डी को एल के बराबर ले लिया, ये ए हो गया, और मुझे मजीद ये बात मालूम है कि ये जो डेल्टा वी है वो किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर, ये ओम्स लॉ है, और ये ओम्स लॉ जो है वो कंडक्टर के अंदर वैलिड होती है, ये हम पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, ये रिलेशनशिप वैलिड होती है। तो डेल्टा वी की जगह पे मैं लिख दूंगी आई आर। तो ये इक्वेशन मेरी किस तरह से बन गई, आई ऊपर एज इट इज रहा, एल रहा, नीचे रहा आई आर, और ये आ गया ए, आई से आई कैंसिल हो गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस ऊपर चली गई 1/σ एल अपॉन ए एज इट इज रहा, तो दिस इज द कंडक्टिविटी, और इसको मैं लिख सकती हूँ रो, ठीक है, या मैं अगर सिर्फ रो रो की टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ आर ए अपॉन एल, कि ये जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जो है वो मेजर है कि कितना अच्छा कंडक्टर है कोई भी मटेरियल, रेजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है, यहाँ पे मैंने 1/σ की जगह रो लिखा। रेजिस्टिविटी के अंदर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन
कितनी रिजिस्ट करने की सलाहियत है उस मटेरियल में, और ये हर मटेरियल की अपनी अपना कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कि हर डिफरेंट मटेरियल का ये कांस्टेंट जो है वो अलग होगा। तो ये किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है उस मटेरियल की रेजिस्टेंस, उस मटेरियल का सरफेस एरिया, उस मटेरियल की लेंथ एल, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो कंडक्टिविटी है, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं रेजिस्टिविटी है, ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा था कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ऑन विच पैरामीटर, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये तो हमें नेकेड आई से नजर आ रहे हैं, इसकी लेंथ भी नजर आ रही है ए, और उसकी उसका एरिया भी नजर आ रहा है, उसकी रेजिस्टेंस भी जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर दी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। तो यहाँ से हमें ये जो इक्वेशन हमें मिली थी, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ से हमने इस मटेरियल की प्रॉपर्टी को एवोल्यूएट कर लिया, और ये हमें पता चल गया कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं। यूनिट क्या है कंडक्टिविटी के और या फिर रेजिस्टिविटी के, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिविटी है इसका यूनिट होता है सीमेंस, और इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ और एम्पेयर्स पर वोल्ट, सही है। और ये जो रेजिस्टिविटी होगी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वोल्ट पर एम्पेयर, या फिर हम डायमेंशंस के लिहाज से भी इसके यूनिट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके यूनिट्स भी पढ़ लिए। अच्छा, एक चीज हमें पता चल गई कि ये जो कंडक्टिविटी है और ये रेजिस्टिविटी जो है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये कांस्टेंट होती है, हर मटेरियल की अपनी अलग होती है, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि ये कांस्टेंट होती है फॉर स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होती है, ओके। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल को लें, जैसे कॉपर को ले लें, कॉपर को अगर आप हीट अप करेंगे, उसका टेम्परेचर अगर चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो हर टेम्परेचर पे ये जो सिग्मा है ये चेंज होगा, हर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है ये चेंज होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर हम किसी भी मेटल को हीट अप करें। तो ये जो है सिग्मा, बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और चूंकि हम नॉर्मली जब किसी लैब में काम कर रहे होते हैं तो हमारे रूम का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम इसको ट्रीट कर लेते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और इट इज अ कांस्टेंट ओवरऑल, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट है, ओके। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये मटेरियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस बात को मगर जहन में रखिएगा कि अगर हम कहीं वेरिएबल टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो उस वक्त ये दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं होंगे। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है ये किस तरीके से मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो यही करवा रही हूँ कि ये कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी किस तरीके से माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस ऑन माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अच्छा, इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं। देखें, ये एटम पड़े हुए, जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो उसके रास्ते में ये एटम आ जाएगा, ठीक है। और जब ये एटम आ जाएगा तो उसका जो पाथ होगा ये बहुत ही जिग जैग पाथ होगा, टकराते टकराते कहीं इधर उधर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो इसको जिग जैग पाथ इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन, या हम इसको ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं, कि बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेचारे सीधे चल ही नहीं सकते, वो लड़खड़ाते हुए टकराते हुए एक दूसरे से वो चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। तो अगर मैं इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन जब हरकत करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, अभी मैंने कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लिया हुआ है, तो
जो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करेंगे तो वो स्ट्रेट पाथ में नहीं मूव करते, बल्कि वो एक जिगजैग पाथ के अंदर मूव करते हैं। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट हुआ, क्योंकि मुझे ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं किसी चार्ज के ऊपर, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मैं कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, वो चार्ज मूव करेगा, हरकत करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मैं कह सकती हूँ कि वो चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरे अल्फाज में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही मैंने अप्लाई की इलेक्ट्रॉन जो है वो हरकत करना शुरू हो गया, एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, यानी उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही बढ़ी रास्ते में एक दूसरा एटम आ गया और वो टकरा जाएगा उसके साथ और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फिर से डिक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, फिर वो टकरा जाता है, फिर बढ़ती है, फिर वो टकरा जाता है, कोलिजन करता है, बेसिकली रैंडम मोशन के अंदर कोलिजन होता है। तो मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर देती हूँ कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, इज मीन फ्री टाइम, और मीन फ्री टाइम ले लेती हूँ, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और उसने टकराने में लेट सपोज 1 मिलीसेकंड लिया, यहाँ से यहाँ पर 0.5 मिलीसेकंड लिया, यहाँ से यहाँ 0.75 मिलीसेकंड लिया, तो एवरेज कितना टाइम लगा है उसको, उसको मैंने डिफाइन कर दिया मीन फ्री टाइम, और उसको मैं टॉ से उसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और मैं लिख सकती हूँ कि अच्छा भाई ये जो मीन फ्री टाइम है, ये जो एक्सिलरेशन है इसको मैं लिख सकती हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन मीन फ्री टाइम, ठीक है। और ये जो ऊपर मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन किया था एफ इज इक्वल टू एम ए का, उसके अंदर क्यू ई मैं इधर रख देती हूँ इज इक्वल टू एम ए, और ए की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ किस चीज़ की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, एम वी डी अपॉन टॉ, ये मैंने रख दिया, ठीक है। और ये जो वी डी है, वी डी के बारे में भी मुझे मालूम है कि ये जो वी डी है ये वी डी बेसिकली क्या है, मैं पहले एक्सप्रेशन निकाल चुकी हूँ जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। वी डी इज बेसिकली जे अपॉन एन ई, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन थी इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ से भी वी डी की वैल्यू एवेलुएट कर लेते हैं, क्या निकल रही है, वी डी इज इक्वल टू क्यू ई टॉ बाय एम, ठीक है। और एक है ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, जे अपॉन एन ई इज इक्वल टू क्यू टॉ ई अपॉन एम, और जे इज इक्वल टू क्यू टॉ एन ई अपॉन एम ई, और एक इक्वेशन मुझे और मालूम है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। बेसिकली क्या हो गया, ये सिग्मा किसके बराबर निकल आया, क्यू टॉ एन ई अपॉन एम। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इस क्यू को भी मैं ई लिख सकती हूँ, ये फिर मेरे पास हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम। दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, यानी कि कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की डिपेंड कर रही है माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के ऊपर, उस मटेरियल के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, कितना दो कोलिजन्स के दरमियान टाइम है, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना है।
और इसी तरीके से रेजिस्टिविटी अगर मैं डिफाइन करूँगी तो रेजिस्टिविटी इसका इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी का, तो एन ई स्क्वायर टॉ मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले से मुझे पता चल रहा है कि हाउ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर ऑफ दी कंडक्टर। ये जो ऊपर वाली इक्वेशंस मैंने ड्राइव की थी इसमें मुझे पता चल रहा है कि हाउ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। सही है, तो यहाँ से हमें जो है वो प्रॉपर्टीज और पता चलती जा रही हैं कंडक्टर की, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट पास करें, यहाँ से हमने शुरू किया था डायनेमिकल कंडीशन से, कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करें, सप्लाई दें और कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करें तो चार्जेस मुस्तकिल हरकत करते रहते हैं। अगर चार्जेस मुस्तकिल हरकत करते रहें तो उनके फ्लो को हम करंट कहते हैं। अगर यही फ्लो पर यूनिट सरफेस एरिया में मेजर कर रही हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी कहलाएगी, उसको हम जे बोलेंगे। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लीनियर होती है, ये कंडक्टर के अंदर यही बिहेवियर होता है। कंडक्टर की मैं बात कर रही हूँ, नॉट एन इंसुलेटर, नॉट एन सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर यही बिहेवियर होता है। और ये जो करंट डेंसिटी होती है ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स पे किस तरह से डिपेंड करती है, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है करंट डेंसिटी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हमने ये देखा कि जब इससे फ़ायदा क्या हुआ करंट डेंसिटी एवेल्यूएट करने का, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो भी कंडक्टर हम स्टडी कर रहे हैं हम उसकी प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट कर सकते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी को अगर हम एवेल्यूएट करना चाहें, जैसे कि कंडक्टिविटी, जैसे कि रेजिस्टिविटी, तो वो उसकी डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है और वो माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात आपने नोट की होगी, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने अप्लाई की और चार्जेस मूव करना शुरू हो गए, एक्सेलरेट करना शुरू हो गए। तो अब एक बात आप नोट करें कि जब चार्जेस जो हैं वो हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई की हुई है, दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर। अब ये जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना बार बार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ है कि एडिशनल चीज़ हमें पता चल गई कि इन डायनेमिकल कंडीशंस, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स हरकत में हैं, करंट फ्लो हो रहा है, उस वक्त किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड, नेट फील्ड जीरो नहीं होती। ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में आ जाए। यहाँ पर चार्जेस रेस्ट की हालत में नहीं है, चार्जेस कंटिन्यूसली हरकत में कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब हरकत में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन महसूस कर रहा है इनसाइड द कंडक्टर, जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस देने की वजह से, जो फील्ड अप्लाई की है वो फील्ड पेनिट्रेट करती है और चार्जेस जो है वो मूव करते हैं मुस्तकिल, ये फील्ड सप्लाई होती रहती है और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, और ये नेट ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाए। तो एक चीज हमें जो है वो यहाँ पर और पता चल गई। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने कंडक्टर को एनालाइज किया है कि अच्छा भाई एक कंडक्टर है और उसको अगर आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखें तो हमें पता चला कि अच्छा एक्सटर्नल फील्ड में रखने से उसकी इंटरनल फील्ड जो होती है वो जीरो होती है और आउटसाइड फील्ड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इज ग्रेटर, इज लार्जर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हमने ये देखा कि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, अगर हम उसको कंटिन्यूस सप्लाई दें, वोल्टेज दें, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो करंट कहलाता है, और किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो करंट डेंसिटी कहलाता है। और कंडक्टर्स के अंदर जो ये करंट डेंसिटी होती है ये लीनियर फंक्शन होती है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये कंडक्टिविटी हर कंडक्टर की एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, अदरवाइज इट इज़ अ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो ये दो तरीके से हम एवेल्युएट कर सकते हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के जरिए और एक माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के जरिए। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने कंडक्टर की अभी तक एनालाइज की। अब हम जो है वो ये देखना चाहते हैं कि इसी तरीके से अगर हमारे पास इंसुलेटर हो
किसी इंसुलेटर को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा? इंसुलेटर को जब हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है? एक लेट सपोज ये इंसुलेटर है, इसके अंदर न्यूट्रल एटम पड़े हुए, प्लस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो आउटसाइड, तो ये ओवरऑल ये न्यूट्रल है मटेरियल, ओके। लेकिन जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये डायपोल बन जाएगा एक, जिसको हम इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रखते हैं अंदर रखते हैं, व्हेन एनी इंसुलेटर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंड्यूस्ड, और डायपोल की अपनी भी कोई फील्ड होती है, ठीक है, इनकी अपनी भी कोई फील्ड होती है, लेट सपोज ई डैश, और ये वाली जो फील्ड है ये ई एक्सटर्नल है। तो अब अगर मुझे ई इंटरनल फील्ड निकालनी है, यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ टोटल फील्ड कितनी है, तो क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई डैश, और जिस तरह से कंडक्टर में ई एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड जो थी वो बिल्कुल बराबर थी सरफेस चार्जेस की वजह से, जो फील्ड बिल्कुल बराबर आ रही थी, यहाँ पर बराबर नहीं होती। ये जो ई प्राइम होता है ये लेस होता है एक्सटर्नल फील्ड से, ठीक है, ई एक्सटर्नल से। तो इंटरनल फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर अगर मैं मौजूद होंगी तो कुछ ना कुछ फील्ड मुझे मिलेगी इन द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सटर्नल, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो नेट फील्ड जो मिलेगी मुझे डायरेक्ट इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगी, लेकिन वो बहुत ही रिड्यूस्ड होगी। अगर इसकी जगह पर कंडक्टर होता तो कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड मौजूद नहीं होती यहाँ पर इधर, क्योंकि इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होती, बाहर और अंदर वाली पूरी कैंसिल हो जाती है, तो नेट फील्ड यहाँ पर जीरो होती, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी फील्ड हमें मिलेगी। जबकि इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर ई आउटसाइड, ई आउटसाइड पे भी ई एक्सटर्नल प्लस ई बाउंड चार्जेस की वजह से, यानी कि इन डायपोल्स की वजह से जो भी फील्ड हो रही है, ये पॉजिटिव चार्जेस है ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से जो भी फील्ड हमें मिल रही है वो एड अप हो जाएगी। तो इसका मतलब है आउटसाइड फील्ड बढ़ती तो है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितना कि कंडक्टर के अंदर बढ़ जाती है, और इसी तरीके से इंटरनल फील्ड रिड्यूस तो होती है लेकिन बिल्कुल रिड्यूस नहीं होती जैसा कि कंडक्टर के अंदर हो जाती है, कंडक्टर में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और आउटसाइड यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हम ले रहे हों तो बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ जाती है कंडक्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है इंटरनल फील्ड लेकिन इतनी नहीं हो रही, ज़ीरो नहीं हो रही, कुछ रिड्यूस हो जाएगी, और आउटसाइड भी जो है वो इंक्रीज़ होती है लेकिन इतनी नहीं इंक्रीज़ होती एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। तो बेसिकली ये जो है वो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक मटीरियल की। ये जो डायपोल इंड्यूस होते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, कि व्हेन एनी इंसुलेटर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इंड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। अच्छा, और ये जो डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, जब हम किसी भी रीजन के अंदर डायलैक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल कितनी रिड्यूस हो रही है, मैं इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप भी लिख सकती हूँ कि अगर मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की हुई थी, ई एक्सटर्नल जो भी थी, और मैं लिख सकती हूँ कि के नॉट रिड्यूस हो जाती है बाय अ फैक्टर, बाय सर्टेन फैक्टर जिसको मैं कापा ई से रिप्रेजेंट करती हूँ, ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कहलाता है। इस इक्वेशन को मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ई इंटरनल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, ठीक है,
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इन डायपोल्स की वजह से प्रोड्यूस हुई है? और इन डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल फील्ड से ही। तो हम इसको लिख देते हैं कि इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर आ गया, और बेसिकली इट इज़ अ ससेप्टिबिलिटी एंड द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लेकिन वो सब कुछ मैं नहीं बता रही हूँ। जब इसको हम जनरली जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, तो एक सर्टन फैक्टर यहाँ पर जो बच जाता है इस जगह पर, उसको मैं कापा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये बात बोलूंगी कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो क्या करूंगी, उस मटेरियल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता होती है, उस मटेरियल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता होता है, तो उसके जरिए भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं इनसाइड दी मटेरियल। ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। और ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, दैट्स व्हाई वी आर क्लेमिंग दैट दी इंटरनल फील्ड इज रिड्यूस्ड। अगर ये वन से छोटा होगा तो फिर ये तो बढ़ सकती है ना, तो इट इज ग्रेटर देन वन। अच्छा, अब मैं दोबारा से थोड़ा सा इस लेक्चर को जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर देती हूँ कि बेसिकली ये जो कंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स। अभी जो बेसिक हमारा मकसद है पढ़ने का, वो है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, विच आर मेंशन्ड हियर। इंसुलेटर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, मजीद थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कंडक्टर की मैंने पढ़ी, वो ये कि एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं रखूंगी तो क्या होगा, इंटरनल फील्ड जीरो रहेगी, आउटसाइड फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और चाहे रेगुलर कंडक्टर हो चाहे इरेगुलर कंडक्टर हो, दोनों के अंदर यही प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रही हूँ और कंटिन्यूस सप्लाई में दे रही हूँ, कंटिन्यूस पुशअप दे रही हूँ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मुस्तकिल फ्लो करते रहेंगे, और उस फ्लो को हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करते हैं। या अगर पर यूनिट एरिया फ्लो मैं मेजर कर रही हूँ, तो वो करंट डेंसिटी होती है। करंट डेंसिटी जो है वो कंडक्टर के अंदर लीनियर फंक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और माइक्रोस्कोपिकली हम उसको इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो कंडक्टिविटी है, ये किसी भी कंडक्टर का अपना कांस्टेंट होता है, ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स पे इस तरह से डिपेंड करता है, और माइक्रोस्कोपिकली जो है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, इंसुलेटर्स को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, लेकिन रिड्यूस हो जाती है बाय सर्टेन फैक्टर विच इज नोन एज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। और आउटसाइड भी फील्ड जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती जैसे कि कंडक्टर के अंदर होती है, लेकिन इंक्रीज हो जाती है बहरहाल। अच्छा, इनके अंदर जो है, चूंकि चार्जेस फ्लो करते ही नहीं है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा था कि कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और उनकी कंडक्टिविटी क्या है और उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, इसके अंदर तो चार्जेस चूंकि फ्लो करते ही नहीं है, ब्रेक डाउन अगर आप वोल्टेज अप्लाई करें तो उस वक्त चार्जेस फ्लो करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी एनालिसिस हमने नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमने यहाँ पर देखा है कि अच्छा भाई, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर मैं किसी डायलैक्ट्रिक मटेरियल को रख दूँ, इंसुलेटर को रख दूँ, तो क्या होगा, उसके अंदर पोलराइजेशन होगी, डायपोल्स क्रिएट होंगे, वो अलाइन होंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और हमारी इंटरनल फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय सर्टेन फैक्टर। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।